सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि व्लॉग्स आर। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ब्यूटी टिप्स जो कि नॉर्मल लाइफ में ज़रूरी होती हैं, कि पहले आपको क्या लगाना है क्या नहीं, टोनर लगाएं, मॉइस्चराइज़र लगाएं या फाउंडेशन लगाएं। सो पहले क्या लगाना है, सब बेसिक चीज़ें हैं। तो आप वीडियो को देखें और एंड तक बने रहें तो आपको सब चीज़ पता चलेगी कि आपको पहले क्या यूज़ करना चाहिए और क्या नहीं। सो गाइस, आप मेरी वीडियो पे बने रहें और वीडियो को देखें। ज़्यादा देर ना करते हुए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें लगाना होता है स्किन पे टूनर। तो पहले मैंने नॉर्मल फेस वॉश कर लिया है अपने, और उसके बाद हम लोग टूनर का यूज़ करेंगे। तो मैं लगा रही हूँ डाबर गुलाबरी का टूनर, तो रोज़ वाटर वाला टूनर है ये। और देखिए, मैं इसको थोड़ा सा ले लिया, उसे सिरप करके मैं अपनी पूरी स्किन पर डैप डैप करके लगा लूँगी। और इसको थोड़ी देर मतलब सूख जाने दें, एक दो मिनट, उसके बाद ही आप दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करें। नहीं तो ये मतलब एक के बाद एक आप लेयर लगाते जाओगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं करेगी। तो इसलिए पहले एक दो मिनट दें और इसको एब्जॉर्ब हो जाने दें स्किन में, उसके बाद आप दूसरा प्रोडक्ट यूज़। सो गाइस, टोनर एब्जॉर्ब हो गया है, तो अब मैं लगाऊँगी हिमालय का फेस जेल। तो इसको मतलब थोड़ा सा मैं स्किन पर लूँगी, एक मॉइस्चराइजर टाइप ही है। इसको मैं थोड़ा सा अपने फिंगर पर ले कर और अच्छे से अपने पूरे चेहरे पर लगा लूँगी इस तरीके से। इसको भी पूरी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाने दें एक दो मिनट, उसके बाद ही आप दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करें। तो ये तो सब बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप ये सब करके ही अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे तो आपके जो चेहरे पे स्किन पे एकदम शाइन करेगी आपकी स्किन और ग्लोइंग हो जाएगी काफ़ी, और आपका चेहरा भी एकदम चमकेगा, दूर से लाइट मारेगा। तो आप उस सो गाइस, नेक्स्ट मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र। आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र ला सकते हैं, तो मैं एलोवेरा वाला मॉइस्चराइज़र ही लगाऊंगी। तो इसको भी मैंने थोड़ा सा अपनी फिंगर पर ले लिया है और इसको भी मतलब उसी तरीके से से अप्लाई कर लूँगी अपनी स्किन पे। सो गाइस, अब इसके बाद हम अपना मेकअप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे प्राइमर। तो मैं लगा रही हूँ लैक्मी एब्सोल्यूट का प्राइमर। सो इसको थोड़ा सा अपने फिंगर पे ले लें, जस्ट इतना, और बस इसको हल्का सा मतलब अपनी स्किन पे सब जगह, जहाँ भी आपके ओपन पोर्स है वहाँ लगा लें, ताकि मतलब आपका जो मेकअप है वो अच्छे से मतलब सेट हो जाए फेस पे और मतलब कोई भी दिक्कत ना आए। इसके बाद मैं लगाऊंगी फाउंडेशन। ये मेरा मियोन का फाउंडेशन है, तो इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी। अगर आप चाहें तो मेकअप ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं, जैसे इस टाइप का जो मेकअप ब्रश होता है इससे भी ऐसे करके ब्लेंड कर सकते हैं इसको, बट ब्यूटी ब्लेंडर से आसान रहता है। और जितना अच्छा आपका ब्यूटी ब्लेंडर होगा उतना ही आपको फ़ायदा करेगा। तो इसको मैंने थोड़ा सा अपने स्किन पे ले, हाथ पे ले लिया है और थोड़ा सा बस इस तरीके से सब जगह अच्छे से सेट कर लूँगी चेहरे पे, अच्छे तरीके से जहाँ भी मेरे डार्क सर्कल्स हैं, जो भी डार्क स्पॉट्स हैं, उन सब पे अच्छे से करके इसको मैं अच्छे से लगा लूँगी। सो गाइस, कल मेरा फाउंडेशन जो है वो मैंने लगा लिया है। अब मैं लगाऊँगी फिटमी का कंसीलर। तो इसको भी मतलब जहाँ पे भी मेरे डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल हैं, वहाँ लगा लूँगी मैं। अब उस जगह पे लगा लें जहाँ पे आपके डार्क स्पॉट या डार्क सर्कल्स हैं इस तरीके से, और बस इसको भी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लें। तो गाइस, अब मैं लगाऊंगी ब्लशर। तो ये मेरा ब्लशर है, इसमें तीन शेड हैं, तो जो भी मेरे स्किन पे सूट करेगा मैं वही ब्लश लगाऊंगी। कुछ इस तरीके से मैं दूसरा एक लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो आप लूज़ पाउडर भी लगा सकते हैं, यानी कॉम्पैक्ट पाउडर। तो मेरा जो कॉम्पैक्ट पाउडर है मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको अगर लगाने की ज़रूरत है आप तभी लगाएं, वरना आप नहीं लगाएं। अगर आप लगता है तो आप अंडर आइज लगा लें, ठीक है, जहाँ आपको ज़रूरत लगती है वहीं लगाएं, वरना कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज़ पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना। सो अब मैं यूज़ करूँगी हाईलाइटर। तो मेरा हाईलाइटर जो है वो
गोल्डन कलर में है, और सबका गोल्डन होता है। बस इसको अच्छे से तरीके से जो जो ये आपको हाईलाइट करना है वहाँ पे आप अच्छे से इसको अप्लाई कर लें। आप अपने फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं। बहुत लोगों को दिक्कत होती है आई शेडो लगाने में कि ब्रश से आई शेडो कैसे लगाएंगे, तो आप बहुत इजीली आप फिंगर से आई शेडो लगा सकते हैं। आपको जो भी शेड लेना है वो आप अपने फिंगर पे ले लीजिए और बस अपने जो ऊपर का आई का एरिया है वहाँ पे नीचे वाले एरिया पे तो आप इसको अच्छे से क्रीज कर लीजिए फिंगर से ही। दोनों साइड आप ऐसे ही कीजिए। इसके बाद आपके पास जो भी हाइलाइटर है आप उसको इसके ऊपर, देखिएगा इस मैंने अपने फिंगर पे ले लिया हाइलाइटर को और बस इसके अच्छे से इसके ऊपर से मुझे लगाना है। बस किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है फिर तो। आप देख सकते हैं मैंने एक अच्छे तरीके से लगा लिया इसको, ऐसे ही दूसरी साइड भी करूँगी मैं। गाइस अब हम लोग लगाएंगे लाइनर, तो आप कोई सा भी आईलाइनर ले सकते हैं, मैंने ब्लू हेवन का लिया है। इसको मैं इजीली अपने आईज पे लगा सकती हूँ। तो गाइस मेरा लाइनर लग चुका है, तो अब मैं लगाऊंगी मस्कारा। तो मेरा लैक्मी 925 का मस्कारा है, आप चाहें तो कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने मस्कारा ले लिया है और इसको मैं अपने अच्छे से लगा लूँगी, क्योंकि मेरी जो आईलैशेस हैं वो थोड़ी सी मतलब बड़ी बड़ी दिखी। इसी तरीके से दूसरी साइड लगा लूँगी। तो मैं अपनी आईब्रो को फिल कर लूँगी आईब्रो पेंसिल से, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से आप दूसरी साइड भी कर। सो गाइस ऑल मेकअप डन, तो अब मैं लगा लूँगी अपनी लिपस्टिक। मेरी मेबलिन की लिपस्टिक है और इसका जो शेड है वो है रसबेरी 007। तो मैं आपको लगा दिखाती हूँ। गाइस अब मैं अपनी मतलब कलर की जो मुझे बिंदी लगानी है वो मैं लगा लूँगी। सो गाइस दिस इज़ माय फाइनल लुक, तो आप देख सकते हैं। तो ये मेरा फाइनल लुक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आगे मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियोज़ डालती रहूँ उसके लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें। सो गाइस बाय बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो थैंक यू।